बढ़िया, कैसे हो आप? हेलो, हाय। वेल, टर्मिनेटर एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ। एंड आई थिंक इवन व्हेन द फर्स्ट टर्मिनेटर केम आउट, ऑफकोर्स हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन आई थिंक वो सबसे पहली एक आई नो ओपनर, एक हॉलीवुड फिल्म थी हमारे लिए भी। एंड ऑफकोर्स ये सीन इट, आई हैव सीन इट, और करीबन 5 मूवीज बन चुकी हैं सिंस इट स्टार्टेड आई थिंक इन 1984 से अब तक। एंड अब शायद ये 6th मूवी के साथ सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है। बट ऑफकोर्स जब भी जितनी भी मूवीज निकली हैं ओवर द ईयर्स हैव बीन वेरी इम्पैक्टफुल, एंड आई बीन अ वेरी आर्डेंट फैन ऑफ आर्नल्ड सिंस द टाइम, बिकॉज मैंने उनकी कमांडो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और एंड इतने ज़्यादा लाइक ही हैज़ बीन माई आइकन, बिकॉज मुझे याद है मैं गुजरात में एक गुजराती फैमिली सामने रहती थी, उनके घर जाके मैं उनकी मूवीज़ देखता था। एंड पहले चार्ली चैपलिन उस कैसेट में होती थी और उसके बाद कमांडो मूवी आती थी उनकी। सो सिंस देन आर्नल्ड हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट, एंड टुडे टू सी हिम अगेन इट्स लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस इट। इट्स लाइक अमेजिंग टू स्टिल वॉच हिम ऑन स्क्रीन आफ्टर 25 ईयर्स ऑल्सो द फर्स्ट टर्मिनेटर। एक्साइटमेंट तो मुझे बहुत ज़्यादा है, स्पेशली करण इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो मेरी एक्साइटमेंट इसलिए डबल हो गई है। आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जो करण मुझसे ज़्यादा एक्साइटेडली बात करते हैं हमेशा, मूवीज, हॉलीवुड फिल्म। इज लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हॉलीवुड फिल्म। एंड लाइक ही सर 1984 से ये चला आ रहा है। मुझे एक बहुत ही प्रोमिनेंट शॉट याद है इस मूवी से, जहाँ पर वो भाग रहे होते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता है, यू नो ही इज कैरिंग दिस लिटिल बेबी इन द बॉटल, रिमेंबर लाइक दैट होल टेस्ट ट्यूब बेबी थिंग, दैट वाज लाइक द फर्स्ट टाइम लिटरली दैट वाज लाइक अ बेबी इन द टेस्ट ट्यूब। आई थिंक वो एक प्रोमिनेंट सा छाप छोड़ गया मेरे मन में, तो अब देखते हैं आगे क्या है, बट इट्स अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ लेजेंड। सर इन्होंने जो बॉडी बनाई है ये तो मिस्टर यूएसए रह चुके हैं, सब कर चुके हैं, आई थिंक ही एंड सिल्वेस्टर वो लाइक, मतलब इनकी बॉडीज़ देख के ऐसा लगता था कि हे भगवान इन्होंने कैसे बनाई है बॉडी। बट ऑफकोर्स बहुत मेहनत लगती है, इट्स नॉट ईजी, एंड हर के फेस पे भी एक अलग बॉडी सूट करती है। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी तरह बॉडी बना के आज मैं खड़ा हो जाऊँ तो मेरे फेस पे सूट करेगा, शायद ना करे, बट आई थिंक दे हैव कैरीड इट ऑफ वेरी वेल एंड हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट। यस हाँ जी, हमें बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं यार, मैं बिग बॉस सच्ची नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस राइट नाउ, सो आई हैव नो क्लू एंड नीदर डज शी, आई डोंट नो इफ शी कैन बी, आई डोंट, बिकॉज हम लोग नहीं देख रहे बिल्कुल भी बिग बॉस। एंड जितना थोड़ा बहुत सुना था बीच में कुछ बैन का हुआ था एंड एवरीथिंग इज व्हाट आप लोगों के थ्रू ही पता चला था, बट अदरवाइज सॉरी वी आर नॉट वॉचिंग इट। थैंक यू, थैंक यू। Next to 9 Lifestyle Dex की रिपोर्ट।